हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बांसवाड़ा शहर के कागदी पिकअप मोक्ष धाम पर दाह संस्कार के दौरान नहाने उतरे नदी में तेज बहाव के कारण दो व्यक्ति बह गए, जिनको बचाने के लिए सभी लोग नदी में कूद पड़े, जिनमें से दो व्यक्तियों को वापस गंभीर हालत में पानी से बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले गए, जहां पर एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, पूरे अस्पताल में मृतक के परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह बामनिया भी पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। डूबने का मामला आ रहा, युवक का क्या है? दर्जी समाज के किसी देश में गए हुए व्यक्ति नाले पे नहा रहे थे, माही विभाग ने अचानक गेट खोल दिए, इसमें दो व्यक्ति बह गए, एक की डेथ हो गई और एक सीरियस है, जो आपके सामने है नज़ारा। इस मौके पर प्रशासन को ये चीज़ करनी चाहिए कि एक दिन पहले मीडिया में दे, उसके बाद में सहारा इन बजाए, उसके बाद में फिर गेट छोड़े। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि बिना किसी सायरन के, बिना किसी सूचना के इन्होंने गेट खोल दिए? मैं चाहता हूं प्रशासन से जो भी अधिकारी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो। हाँ भाई साहब, ये मौत कैसे होगी, क्या मामला? हमारे समाज में मौत हो गई थी, दर्जी समाज में, तो अम्बाला जी की मौत हुई, तो हम गए थे दाह संस्कार करने के लिए गए थे, और ये सब देने की वो दाह संस्कार के बाद जो नहाने की प्रक्रिया होती है वो कर रहे थे, हम नहा रहे थे, तो अचानक से गेट खुल गए और सायरन भी नहीं बजा और उनको पता भी नहीं चला कुछ, और हमारे बिल्कुल जवान लड़का हमारे हाथ से चला गया है, और जो भी कार्रवाई है वो आगे हम करेंगे और जो भी उनकी बात हम आगे करेंगे। बांसवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।